टोरेंट पावर के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के होदे से काम करता हूँ। आज हमारे डीसीपी ऑफिस के अंदर डीसीपी साहब, एसीपी साहब और कर्ट साहब के प्रेजेंस में और मुमरा कलवा शील के जन प्रतिनिधि शमीम खान जी, भाई साहब जी, शानू पठान जी और नगर सेवक के साथ में एक मीटिंग हुआ। इससे पहले हमारा एक लगभग 20 दिन पहले एक मीटिंग हुआ था जहां पे मंत्री साहब ने मीटिंग लिया था एमएससीडीसीएल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में और कुछ इश्यूज रेज किए थे जिसके बारे में चर्चा हुआ था और एक सजेशन था कि एक अभय योजना जो है वो हमें लाना है और जिसके तहत जो पीडी कंज्यूमर है उनको एक राहत मिले और जितना भी जो एक उनके जो बकाया है उसको भरने के लिए एक ब्याज का माफ़ी हो और एक उनको इंस्टॉलमेंट दिया जाए। उस हिसाब से एक अभय योजना का आज एक सर्कुलर निकला है जिसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100% है तो आपको 110% देना है। और ये सज्जनानी साहब जी, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, ये भी जो आपका जो इशू जो रेज किया था ये भी नगर सेवकों ने और प्रतिनिधियों ने इसको रेज किया था कि भाई जो बिल हैं, जो बढ़ के बिल आ रहे हैं, तो हमने उनके साथ बैठ के ये तय किया है कि हम लोग हर जगह पे, मतलब कलवा, मुमरा, शील में अलग अलग जगह पे हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हर लोकेशन पर जाके कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे और जितने भी ये जो बिल की शिकायतें हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी जो इश्यूज पब्लिक के रेज किए उसको हम एड्रेस करेंगे। ये भी एक मुद्दा था जिसको हम उसको एड्रेस देंगे। सर अभी तक जो भी कैंप हुआ वो एक दो ही कैंप हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूँ यही इशू एक कलवा के अंदर हमने काफ़ी कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, एक एक बंदे को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बिल का वर्किंग किया है, एक बिल के साथ हमने पूरा कैलकुलेशन आप उनको समझाया है और ये काफ़ी इशू, काफ़ी हद तक इशू आज कलवा के अंदर सॉर्ट हो गया है और हमको पूरा विश्वास है कि ये बाकी भी जो मुमरा, शील, डाइगर के अंदर ये सारा इशूज़ को हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और यही जनप्रतिनिधि ने एक इशू रेज किया था। तो जो एक पीडी के बारे में बात किया प्लस इसके बारे में बात किया और तीसरा एक मुद्दा था कि भाई हम लोग जो मीटर है वो हम टोरेंट का मीटर लगाएं, हम खुद का मीटर भी ला सकते हैं, उसका भी एक सर्कुलर एमएससीडीसीएल ने निकाला है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए भाई ये 6 कंपनी के मीटर हैं जो उनके मानक के हिसाब से, आप 6 कंपनी के मीटर में से कोई भी मीटर आप लगा सकते हैं, वो भी एक मुद्दा किया। इसके बावजूद ऐसा हुआ है तो उस पर चेंज करेंगे, ठीक है। आपने अगर ये हमारे ध्यान पे लिया, डेफिनेटली हम इस तरह से जितनी भी जो कंप्लेन है उसको ध्यान देंगे। आज भी मीटर में चर्चा हुआ कि भाई आप जितने भी जो ऐसी कंप्लेन है उसका, इसीलिए हम जो है कंज्यूमर के वहाँ पे जाना चाहते हैं, हम सभी को ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बुलाना चाहते, हम लोग आपके डोर स्टोर पे आना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे आके और आपके इश्यूज को हम सॉल्व करें। इसके बावजूद भी मेरी बात सुनिए, इसके बावजूद भी ये नगर सेवकों ने और प्रतिनिधियों ने और भी कुछ सुझाव सजेशन दिए हैं जिसको भी हम आगे मंत्री महोदय के पास ले जाएंगे और एमएसडीसीएल के पास ले जाएंगे और जिस तरह से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें आशा है के आए दिन के अंदर ये इश्यूज़ को भी रिजॉल्व होगा। जिस तरह से आज ये एक हम लोगों को जो पीडी के लिए बारे में एक जो हम लोगों ने गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसका कॉपी हम इनको भी देते हैं प्रतिनिधि को, तो शो कीजिए ना उसको हाथ में पकड़ के ऊपर। जी जी, ये है पर्टिकुलरली पीडी के अंदर जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे उसके बारे में ये सर्कुलर है। दूसरा ये सर्कुलर है कि जिसके अंदर आप अपने जो मीटर लगाना चाहेंगे तो इसमें 6 मीटर के कंपनी के बारे में लिखा गया है, वो 6 मीटर में कोई भी मीटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप खरीद के हमारे वहाँ पे टेस्ट करा के बाद में इसको लगा सकते हैं। सो ये दो चीज़ें जो है वो उसका रिजॉल्व किया है और मैं यही दो सर्कुलर शानू पठान साहब को और भाई साहब को ये उनको देता हूँ मैं, और शानू पठान साहब जी, शमीक पांडे जी, आपके लिए ये केवल एक ये जो स्कीम है वो केवल कलवा, मुमरा, शील और ढाईगर के लिए है जिसके तहत अगर आपका पीडी का जितना भी अमाउंट बाकी है, मान लो 100 रुपया है तो आपको केवल 110 रुपया देना है और अगर आपके इसके इंस्टॉलमेंट कराना चाहते हैं तो आप 30% दे के बाकी का 12 इंस्टॉलमेंट तक करा सकते हैं और ये स्कीम जो है जून 2021 तक अवेलेबल है और आप इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं और जिसको इंस्टॉलमेंट होगा उसको उसके लिए अलग से ब्याज देना पड़ेगा, वरना अगर एक साथ दो को भरेगा तो उसको 110% प्रिंसिपल अमाउंट का भरेंगे तो वो उनका पूरा निकल जाएगा और अगर इंस्टॉलमेंट देंगे तो भी एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद उनके घर पर हम मीटर भी लगा देंगे, ये भी तय हुआ है। रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको स्थगित कराएं।
अच्छा, और ये आपकी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है कि ये जिस तरह से ये जो चीज़ें आगे हम आगे बढ़े हैं और एक सरकार और मंत्री के हेल्प से एक कदम आगे बढ़ा है, तो इस हिसाब से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे इसको स्थगित किया जाए। बेसिकली जो जन आंदोलन, यहाँ के पूरे जो कॉरपोरेटर्स हैं, नगर सेवक हैं, उन्होंने ऐलान किया था, काफ़ी जो नागरिक है उनके समस्या को लेके, उसके तहत काफ़ी मीटिंग्स हुए हैं। हमने भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सभी नगर सेवक, शील टाइगर, मुमरा, कौसा, सब एरिया के नगर सेवक और टोरेंट के आला अधिकारी, उन सब लोगों की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें टोरेंट के जो आला अधिकारी, उन्होंने उनके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब हैं, सभी नगर सेवक को दिए। उसमें दो चीज़ें, एक जो अभय योजना है उसके बारे में उन्होंने, जो नया सर्कुलर, आज जो नया ऑर्डर गवर्नमेंट का है उसके बारे में भी उन्होंने उनको जानकारी दी। ताकि दूसरी चीज़ जो मीटर के बारे में, जो कौन से कंपनी के मीटर लगा सकते हैं, छः कंपनी के, उनकी भी एक ऑर्डर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है, वो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने माननीय नगर सेवक सभी लोगों को दिया है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो शमीम भाई है, शानू पठान है, सैयद अली भाई साहब है, और तमाम बाकी जो पाटिल साहब है, जो शील टाइगर के नगर सेवक है, और बाकी जो सर्व नगर सेवक है, उनसे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, जो प्रॉब्लम्स को लेके इन्होंने खड़े किए थे, उस प्रॉब्लम्स के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट, तो कोरोना सिचुएशन में जो अपने नागरिक है उनको भी थोड़ा सा सिचुएशन के तहत अगर स्थगित करेंगे तो थोड़ा सा उसमें बेहतर होगा। और आगे भी इनके इन्होंने जो टोरेंट की कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि उनके मीटिंग्स स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर साहब हैं, और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में उनके मीटिंग्स होने वाले हैं। तो आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें, डेवलपमेंट्स उनको वो बताए दिए जाएगी, जिसमें काफ़ी सारा जो राहत रहेगी जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको मिलेगी। तो मेरी वही, हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा था, तो वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी पार्टीज़ के कॉरपोरेटर्स, जो ये जन आंदोलन उन्होंने ऐलान किया था उसको कोरोना के तहत पोस्टपोन किया जाए या स्थगित किया जाए। सर, तो आपको जो शमीम भाई है और शानू पठान है और बाकी के जो नगर सेवक है, वो आपको इस बारे में आपको एड्रेस करें। सर, किसी को नोटिस भी दिया गया टोरेंट पर कमेंट करने के, या इस तरह? देखो, अभी छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, ब्रॉडर इश्यूज़ पे हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी है। डिटेल्स में एज पुलिस ऑफिसर्स हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर इश्यूज़ है, जो नागरिक के समस्या है, उनको पहुँचाने का काम एक एज अ ब्रिज हम लोगों ने यहाँ पर करने की कोशिश की है। और उसको जो टोरेंट के ऑफिसर्स ने, जो नए डेवलपमेंट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आए, उन्होंने उसके बारे में उन्होंने बताया है, काफ़ी सारे जो नए डेवलपमेंट्स आए उसको भी नगर सेवक को बताया है। अभी दिस शुड स्प्रेड टू द पब्लिक, एंड मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से, कोविड सिचुएशन के हिसाब से, हमने गुजारिश की है कि जो महा आंदोलन है वो स्थगित किया जाए। थैंक यू। मीटिंग के सारे फैसले आप लोग के सामने आए, अधिकारी जो आए थे उन्होंने आपके सामने स्टेटमेंट दिया, डीसीपी साहब ने स्टेटमेंट दिया आपको। एक रिक्वेस्ट ये की गई, गवर्नमेंट थोड़ा पीछे आई है, कई चीज़ों का फ़ायदा मिला है और ये आंदोलन ख़त्म नहीं है, ये पोस्टपोन किया गया पुलिस के रिक्वेस्ट के ऊपर, कि जो लॉ एंड ऑर्डर्स का मामला चल रहा है इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है, ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमारी और कुछ मांगे हैं, जैसे दो मांगे हमारी पूरी हुई है, अभी शमीम भाई बताएंगे, शानू भाई ना, उस तरीके से अब इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। जे मुमरा पुलिस स्टेशन में हमें एक कॉल आया, यहाँ से हमारे भाई साहब को, मुझे, शानू भाई को और हमारे तमाम नगर सेवकों को कहा गया कि डीसीपी साहब और हमारे यहाँ के इंचार्ज और एसीपी साहब के साथ एक मीटिंग तय की गई है। तो हम लोग यहाँ पर मीटिंग में आए, और यहाँ आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे टोरेंट के वो आला ऑफिसरान भी यहाँ पे आए हुए थे जी, जो सजनानी जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, कुछ एमएससीडीसीएल और टोरेंट के मिले जुले अधिकारी यहाँ पे थे। तो हमारे यहाँ पे चार पॉइंट में नंबर वन ये था कि जो 6 महीने के अंदर वो कहीं ना कहीं
हमें ये लग रहा है, हमारी आवाम को ये लग रहा है कि वो बिल गलत आ गई। गलत जी, जैसे कि जो मीटर की रीडिंग ली गई वो ऑन एवरेज ली गई, तो हमारी इनसे मांग ये थी और मांग है कि आप सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को कम करो, और अगर वो लॉकडाउन में बंद रहा है तो उसका बिल पे करने का कोई अधिकार आपको लेने का अधिकार भी नहीं है, ना हमारा कोई देने का अधिकार है। नंबर टू पीडी की बात थी कि जब एमएसडीसीएल चली गई तो फिर आप पीडी कहाँ से लेकर के आ गए। लेकिन इनका जो एग्रीमेंट हुआ है कामदार साहब, उस एग्रीमेंट के अंदर जो इनका सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ये इसमें इन्होंने आज हमने ये देखा, जो इन्होंने अभी हमको ऑर्डर दिया है, जो ऑर्डर है कि 110 का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा बिल अगर 1,00,000 रुपये है और अगर मैंने 1,10,000 पे कर दिया तो मेरा जो है जो इनको यानी 1,50,000 लेना था इनके बिल के हिसाब से वो कहीं ना कहीं 40,000 रुपये कम करके अभी इन्होंने फैसिलिटीज दिया है, जो इन्होंने 12 इंस्टॉलमेंट कहा है, अगर हम 30% पे कर देते हैं तो बाकी के पेमेंट जो है हम 12 महीने में पे कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने एक ऑर्डर लेकर के आए हैं। और दूसरी बात, और ये सिर्फ कलवा के लिए, टाइगर के लिए। दूसरी बात ये है कि हमारी इनसे एक मांग और थी कि ये मीटर ला के लगा रहे हैं, मीटर का कहीं ना कहीं हम लोगों को ये डाउट है कि ये मीटर फास्ट चल रहे हैं, तो मंत्री महोदय के पास एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें MD साहब खुद मौजूद थे, भाई साहब थे, शानू भाई थे, हमारे अध्यक्ष आनंद प्राजपे साहब थे, हमारा एक डेलीगेशन था, वहाँ पर ये तय हुआ था कि बात हुई थी कि मीटर जो है वो जो ये 5-6 कंपनी के मीटर लाएंगे और कंज्यूमर जो चॉइस करेगा कि हमको ये मीटर लगाना है उस मीटर को वहाँ लगाया जाएगा। आज इन्होंने उसका भी ऑर्डर हमको दे दिया है, फाइनलाइज़ किया है। हमें जो बुलाया तो DCP साहब ने हमारे डेलीगेशन से ये बात की कि आप लोग देखिए कोरोना काल का मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर आप इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए सैदुली अशरफ भाई साहब ने इसका फैसला लिया, माननीय मंत्री जितेंद्र भाट साहब बात करके हमारे नेताजी से कि हम लोग जिस तरीके का इन्होंने अभी आपके माध्यम से कहा कि हम बिल का भी सुधार करेंगे, मुमरा शहर में जितने भी हॉल हैं उस हॉल के अंदर हम कैंप लगाएंगे, जैसे इन्होंने कहा कि कलवा के अंदर हमने सुधार किया है ऐसे हम मुमरा में करेंगे, तो उस हिसाब से भी इन्होंने एक वादा किया है, तो हम इनके सब वादों को ज़रूर सुने। हमारे मंत्री जी से हमने बात किया है और इसके बाद हमारे मंत्री जी ने ये भी कहा है हमको कि हम बहुत जल्द ऊर्जा मंत्री जी के साथ एक मीटिंग लगाएंगे, मीटिंग लगा करके ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो समस्याएं हमारे शहर में है, मैं ये नहीं कहता कि कोई आज इनके कहने से या टोरेंट के कोई डर से या कोई केस खाने के डर से हम लोग इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। एक चीज़ कि हम ये मुकदमे से, ये पुलिस से, ये फोर्स से और इनसे डर गए तो गलत फहमी के शिकार ना हो, शहर की लड़ाई है उसको आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम लोगों ने माननीय DCP साहब की जो उन्होंने बात रखी कि कोरोना काल का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हमने सम्माननीय DCP साहब का रिस्पेक्ट रखा। सजनानी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन अगर उसमें सुधार नहीं आया तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये लड़ाई कल भी थी, ये लड़ाई आज भी है, ये लड़ाई कल भी जारी रहेगी। हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, पार्टी के जो कार्यकर्ता, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग टोरेंट के खिलाफ हम लोग जो है हाईकोर्ट भी जाएंगे, हमारा वहाँ भी वर्क चल रहा है, हम इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट होगा इनकी चीज़ों पे, लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है यानी कल का हमारा जो जन आंदोलन है, हम आपके माध्यम से हमारे शहरवासियों को हम कहना चाहते हैं कि आज इन्होंने वादा किया है DCP साहब के सामने, अगर इसको देखते हुए हम कल के आंदोलन को, कल के हमारे धरने को हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं, जैसे प्रेस वालों को भी मालूम है, कई प्रश्न भी उपस्थित किए कि लोगों में गुस्सा है, और हमने अंदर मीटिंग में कह दिया साफ कि आपकी हमको कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें तो ज़रा भी समझ में नहीं आती। जब हमारे समझ में नहीं आ रही तो लोक प्रतिनिधि को नहीं समझ में आ रही तो लोगों को कैसे समझ में आएंगी, ये साफ है। तो उनको ये डिस्कशन करने के बाद हमने ये कहा कि आप ये सबसे पहले बता दीजिए कि जिनको MSEDCL के टाइम पे साल भर से 1,000 बिल आता था, टोरेंट आने के बाद वो बिल भरता है कंज्यूमर,
उनके पास सालों से रिकॉर्ड है, तो उन्हें डालने के बाद वो 3000 कैसे हो गए, पहला सवाल। पीडी मीटर अगर कर दिया है तो आप उसका बिल MSEDCL का क्यों वसूल कर रहे हैं? आप अपना टोरेंट की लाइट दे दी और वो हमसे बिल लीजिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कुछ MSEDCL का ऑर्डर लाए और उन्होंने कहा कि हम मुमरा, कौसा, दिल, शिवा, कलवा, इन सभी जगहों पे अच्छे रिस्पॉन्स देना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब इसको फॉलो कर रहे और पावर मिनिस्टर से कंटिन्यू बात कर रहे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा हम आपकी जो चार मांगे उसमें से हम ज़्यादातर मांगों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि असीम गुप्ता साहब 10 दिन से छुट्टी पे थे, महावितरण अध्यक्ष, इसीलिए हमारे जो बाकी के जो मांगे वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इसीलिए उन माननीय DCMC साहब ने ये रिक्वेस्ट किया कि लोगों के अंदर गुस्सा है, अगर आप रोड पे आए तो हज़ारों की संख्या में लोग रोड पे आएंगे और कुछ भी हादसा हो सकता है शहर पे। इसीलिए ऐसा ना हो कि ये कह दिया जाए कि हमारे नौजवानों ने कुछ हादसा कर दिया और आप लोग जिम्मेदार मौजूद थे और उनके ऊपर पुलिस का काम है कि जब पॉलिटिकल लोग हैं कुछ हादसा होगा तो उन पर केस करेगी, तो साथ में कोई और कुछ घटना होगी तो उन पर केस होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई लोगों के गुस्से की वजह से हमारे नौजवानों पे कुछ FIR दाखिल हो। हम पे परवाह नहीं है, मेरे भाई साहब है 35 साल से शहर में और मुमरा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके ऊपर कई केसेस है, आज तक पासपोर्ट नहीं, पीछे से कान में ये बोलते हैं कि उमरा के लिए जाने का ज़रा संभालना, मतलब ये उनकी परिस्थिति है। शमीम खान जी है, मैं शानू पठान, हमारे पे कई सारे केस है, ये जितने राष्ट्रवादी के लोग हैं नगर सेवक उन पर भी केस है और लोग भी दूसरों पार्टियों के पे भी केस है। मतलब आंदोलन करना है तो करना है, केस से नहीं डरना है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो कुछ वक्त देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ आए, DCP साहब ने कहा कि मिनिस्टर साहब भी आज सुबह से लॉ पावर मिनिस्टर से बात कर रहे थे, पिछले 8 से 15 दिन के अंदर आपके जो दूसरे 4 प्रश्न है उस पर ठोस निर्णय महावितरण यहाँ पे करके देगी, अगर नहीं करी तो ये साफ कह दिया है जहाँ जनता वहाँ हम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि जनता एक जगह और हम दूसरी जगह, इसीलिए ये लोग भूल जाए, हम दिखा के भागेंगे नहीं शहर के लिए, शहर के लिए लड़ेंगे, यहीं जिंदा रहे यहीं मरेंगे। हमारी आवाम को कि कल के व्यापारी लोग जो बंद रखने वाले थे, हमारी माँ बहने लोग जो काटने वाले थे, ये आंदोलन हमने पोस्टपोन्ड किया है और जल्द माने हम सभी जितने नगर सेवक है भाई साहब के साथ मिलकर, मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर 8 से 15 दिन में जो हमारी दूसरी मांगे उस पर अपडेट लेके प्रेस को इन्फॉर्म करेंगे। और अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम पहले भी आपको बोले थे, अभी भी बोले, हम टोरेंट को यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर जब हमारी सरकार है इंशाल्लाह ताला हम हमारी सरकार के जरिए उसको भगा करेंगे, कोर्ट के माध्यम से भगा करेंगे और आंदोलन के जरिए भगा करेंगे। ये हमारा निर्णय फाइनल है, क्योंकि लोगों में टोरेंट के माध्यम से गुस्सा है। अगर लोग दुरुस्त, लोग खुश हो गए, 90% लोगों को सहमति मिल गई, इनके जो कैंप लगने वाले अलग अलग जगह और लोगों ने 90% लोगों ने बोल दिया हमारे बिल कम हुए, हम सेटिस्फाई, हम खुश है, तो हम को कोई मतलब नहीं, हम बोलेंगे ठीक है आपकी सर्विस के नाते, आवाम खुश तो हम खुश, आवाम नाराज़ तो हम नाराज़। अस्सलाम वालेकुम।